ओम शनि शिराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम छायापुत्राय नमः, ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोक देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कपयदृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, दिनांक 10 अगस्त 2024, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज छठ तिथि है। आज कल्कि जयंती मनाई जाएगी, साथ ही आज वनषष्ठी भी मनाई जाएगी, आज मुनि नमिनाथ जयंती भी मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज प्रातःकाल 9:14 से पूर्वान 10:53 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:35 से प्रातःकाल 9:14 तक शुभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:32 से दोपहर 2:11 तक चर का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:50 से सायंकाल 5:29 तक अमृत का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहती है तकदीर, आपकी किस्मत, आपके सितारे, आपके आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। इसलिए क्या करें महाराज, निर्बलता, संकुचन और द्वेष, इनसे अपने आप को कोसों दूर रखें। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को छूएगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने आप को विकासमान एवं चलायमान बनाए रखें। क्या महाराज, अपने आप को विकासमान एवं चलायमान बनाए रखें। याद रखो, गति और विकास सफल इंसान की सफलता की निशानी है। क्या महाराज, गति और विकास सफल इंसान की सफलता की निशानी है। समाधान, काजल का टीका अपने दाहिने कान के पीछे लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं
क्या कहते हैं महाराज, अपनी लाइफ में अपने कैरियर में बहाने बनाना बंद कर दो। क्या महाराज? अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में बहाने बनाना बंद कर दो। बहानों से ज्यादा अपनी हिम्मत को मजबूत करो। सफलता मिलना तय है। समाधान, काले कुत्ते को बिस्कुट खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं। गरिमा जी झालावाड़ से, आपका प्रश्न पूछिए। गरिमा जी आपका प्रश्न पूछिए। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। 7 तारीख 7वां महीना 7 जुलाई जी, सन 2011 7 जुलाई 2011 समय शाम को 6 बजे। प्रश्न क्या है? बच्चे का भविष्य के बारे में पूछना है। देखिए, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल की वर्तमान में महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में भी बुध का अंतर है। बुध इसका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव शरीर का होता है, बीमारी का होता है। थोड़ा स्वास्थ्य का आपको इसको ध्यान रखना होगा। हेल्थ सेक्टर का विशेष रूप से ध्यान रखिए। शनि चंद्रमा का विष योग भी इसकी जन्म कुंडली के अंदर है। ये विष योग के कारण बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बच्चे के हर साल वजन के बराबर, अभी वैसे जन्मदिन निकल गया है, लेकिन आगे किसी भी अच्छे दिन पे इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करिएगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, लेकिन कालसर्प दोष भी इसकी कुंडली के अंदर बना हुआ है। सर्प दोष होने के कारण जीवन में कोई भी चीज़ को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जब 14 वर्ष से ऊपर का हो जाए तो आपको इसके नाम से उज्जैन जाके सर्प दोष की शांति करानी है। लेकिन उससे पहले अभी कुछ समय तक आपको फिलहाल स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सोते समय सिर बच्चे का पूर्व दिशा की तरफ सिर रखें। गायत्री मंत्र का जाप करना जरूर सिखाएं और महामृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह ओम जूम सह ओम जूम सह ओम जूम सह, इस मंत्र का उच्चारण इस बच्चे को करना सिखाएं। ये नहीं करें तो आप स्वयं करें बच्चे के नाम से। बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। और एक चांदी का चंद्रमा गले के अंदर डाल दीजिएगा या एक रुद्राक्ष गले के अंदर डाल दें। निश्चित तौर पर बच्चे के जीवन में हर प्रकार के सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति है। चंदा बाड़मेर जी से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए। 7 जून 1997 वापिस बोले। 7 जून 1995 7 जून 1995 97 समय रात को 1:20 पे। 7 की रात है, 1:20 6 की रात है तो 1:20। अच्छा, प्रश्न क्या है? इसकी शादी कब होगी? देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। अभी ये चंडाल योग का पीरियड है, अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है और सितंबर 2025 तक ये समय रहेगा। इस समय के मध्य में चूँकि गुरु में राहु चंडाल योग बनता है, और अगर आप अभी से इसका संबंध करते हैं 1 साल में, तो संबंध हो के टूटने के भी आसार बनते हैं। ये बच्चा भारी मांगलिक है। राहु मंगल का अंगारक योग सप्तम भाव में बना है। जब भी आप इसका विवाह करें, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात में ही इसका विवाह करिएगा, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली में चूँकि बहुत भारी मांगलिक है, तो मांगलिक लड़की ही इसके लिए लेकर आनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से इसके विवाह का योग सितंबर 2025 के पश्चात बनता है, उससे पहले योग नहीं बनता है। उससे पहले चूँकि गुरु नीच राशि का है, तो संबंध हो के टूटने के भी योग बनते हैं। हर गुरुवार इसके नाम से पीली चीज़ों का दान करें, पीले फल इत्यादि का दान करें। एक सफ़ेद पुखराज इंडेक्स सिंगर में पहना के रखें। पीला पहनाना नहीं है, पीला खिलाना नहीं है। गुरुवार के दिन विशेष तौर पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। ओम प्रकाश बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। शुभ आशीर्वाद। मुझे एक बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछना है। आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति, थोड़ा शोर हो रहा है तो समझ में, विशिष्ट प्रश्न पूछना है आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति, थोड़ा शोर ज्यादा हो रहा है, थोड़ा तेज बोलेंगे आप? ठीक है सर। हाँ, अब आवाज आ रही है? हाँ। एक अति विशिष्ट प्रश्न पूछना है, और आपके जो दिव्य ध्यान है उससे मुझे काफी लाभ मिलेगा इस प्रश्न के रूप में।
डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। सुबह 4 बजे स्थान बीकानेर। सुबह 4 बजे स्थान बीकानेर। गुरुजी अब अभी शनि महादेव सचिव शनि अष्टम में बकरी बैठा है और अब मैं इतना मेरा जो बाकी जीवन है किस रूप में बीता है, मैं क्या विषय को योग्यता हासिल कर पाऊंगा जिससे जीवन में पहचान बने और लोग मनोकांति याद करें। देखिए शनि वक्री जरूर अष्टम भाव में लेकिन स्व राशि का भी है, आपको इस बात को समझना होगा। अपने ही घर में कोई बैठा हुआ इंसान यदि वक्री हो तो उसके नकारात्मक दोष खत्म हो जाते हैं। शनि में शुक्र में राहु जो फरवरी से चल रहा था वो अभी 27 जुलाई को ख़त्म हो गया है। अब शनि में शुक्र में गुरु आया है तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेज आएंगे, उसके सकारात्मक परिणाम आपको देने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि शनि की महादशा आपके लिए नुकसानदेह। हाँ, जब शनि की शनि में शुक्र खत्म होने के बाद में फरवरी 2026 के पश्चात में जब शनि में सूर्य शनि में चंद्रमा आएगा वो आपके जीवन का एक कष्टमय पीरियड होगा। वो पीरियड शुरू होगा फरवरी 2026 से और वो रहेगा अगस्त 2028 तक। शनि में सूर्य फिर शनि में चंद्रमा, वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा हैरान परेशान करने वाला समय होगा। अभी फ़िलहाल समय सुधरा है, हम तो आज को जिए कल किसने देखा, तो आज हमारा अच्छा है। और वक्री शनि को ठीक करने के लिए शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ में लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर ले, छल्ला जो खुला हुआ नहीं हो। बाकी मेरे हिसाब से और कोई दिक्कत नहीं। और एक मैंने आपको सजेस्ट किया था आप चांदी पहन के रहें। चांदी इसलिए क्योंकि आपका चंद्रमा उच्च राशि का है लेकिन मात्र 10 डिग्री का राहू के साथ बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हैरान परेशान करता है। तो एक तांबे का चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण करने लाभ प्राप्त होगा। रवि नागपाल जी गंगानगर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। रवि जी प्रश्न पूछे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरे राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा? जन्म तारीख समय बताएं। राजनीतिक भविष्य के बारे में पूछना था महाराज। जन्म तारीख जन्म समय बताएं। 19 मई 1972। 19 मई 1972। समय बताएं। सुबह 8:30। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है और आपके राजनीतिक भविष्य की जहाँ तक हम बात करते हैं, चूंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं, सूर्य शनि से पीड़ित है तो राजनीतिक भविष्य पे क्वेश्चन मार्क लगाता है। जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए उतना हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये पितृदोष है, इस पितृदोष मतलब आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, उस अकाल मृत्यु का आपके ऊपर पितृदोष बन चुका है। उज्जैन जाइए विधि विधान पूर्वक, उज्जैन या गया जाकर विधि विधान पूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कीजिए, नारायण बलि कर्म कीजिए ताकि आपके जीवन में शुभता का संचार हो। इस कलयुग में कहा गया है भगवान की पूजा बाद में, पहले पितरों की आराधना। अपने घर में रसोई में पानी का मटका भर के रखें ईशान कोण में, प्रतिदिन वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि, उत्तम कार्य में वृद्धि की प्रार्थना करें। अभी मंगल की महादशा आपको चल रही है और जब आगे इलेक्शंस आएंगे राजस्थान में उस वक्त मंगल की महादशा शुक्र का अंतर होगा, समय अच्छा रहेगा। यदि आप अभी अपनी प्रयास करते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप अच्छा कर सकते हैं, राजनीतिक भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आपको पितृदोष की विधिवत शांति करानी होगी, लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना होगा, पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में 1.25 रत्ती का करना होगा, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना होगा, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन, दाल की कचौरी दही मर्ती चढ़ानी होगी। निश्चित तौर पर राजनीतिक भविष्य आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा दिख सकता है। आगे की 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का काम कल पे मत छोड़ो। क्या महाराज? आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि आज का संघर्ष ही हमें कल की सफलता तक पहुंचाएगा। काल करे सो आज कर। समाधान, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नया दिन है नई बात करेंगे। क्या महाराज? नया दिन है नई बात करेंगे। अपने कल को, अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर पे, अपने आज पर हावी मत होने दीजिए। अपने आलस्य को, अपने क्रोध को,
अपने जीवन से कोसों दूर रखे। समाधान, तुलसी जी की परिक्रमा करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? वक्त को बर्बाद मत करो फालतू लोगों से, फालतू बातों में। मत कर वक्त को बर्बाद फालतू लोगों से, फालतू बातों में। संभल जाए दोस्त, अभी भी मौका है। संभल जाए दोस्त, अभी भी मौका है। समय का सदुपयोग करना सीख लो। समय की कीमत को समझ लीजिए। ये जो समय, ये गुजर गया जो समय है, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जीवन में फालतू बातों पे दिमाग नहीं लगाना, अपने काम के ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस करना, कंसंट्रेट करना, एक एक क्षण का उपयोग करना सीख लीजिए। समाधान, पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। छह राशियों की बात करिए, अगली छह राशियों की बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज सफलता के नए द्वार खुलेंगे। कम मेहनत में भी ज्यादा फायदा होने के योग हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। समाधान, काली रंग की गौ माता को रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपको अपने जीवन का, अपनी लाइफ का, अपने कैरियर का असेसमेंट करना होगा। अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने जीवन में क्या खोया, क्या पाया, इस पर विचार करना होगा। नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। समाधान, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, आज अपने प्रयासों को सही दिशा दीजिएगा। आपका हार्डवर्क आपको नई पहचान देगा, यात्रा के योग बनेंगे। समाधान, शनि मंदिर में तेल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एक मैच्योर पर्सन की तरह व्यवहार करना सीख लो। एक मैच्योर, एक परिपक्व व्यक्ति की तरह, मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना सीख लो, व्यवहार करना सीख लो। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। सुख सुविधाओं पर खर्च होता है तो होने दीजिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को काले गुलाब जामुन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीतेगा महाराज। एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो दिन भर बना रहेगा। बस ध्यान क्या रखना है महाराज, रिश्तों में बहस से बचना होगा, रिलेशंस में आर्गुमेंट से बचना होगा। समाधान, काले अंगूर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, वर्किंग सेक्टर में हर्डल्स आती जाती दिखाई देंगी। इसलिए क्या करना है महाराज, शांत रहकर काम करना है। कोई कहे कि दादा मैं बड़ा, तो आप क्या कहोगे, दादा आप ही बड़े, मैं तो छोटा इंसान। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, बाहर खाने से बचना। समाधान, शमी के पौधे के पास देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सावन मास का विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में नंदी भगवान कैलाश के द्वारपाल हैं, जो शिव का निवास है। कैलाश पर्वत के जो द्वारपाल हैं वो भगवान नंदी हैं, और भगवान शिव का कैलाश निवास स्थान है। भगवान नंदी भगवान शिव के वाहन भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। नंदी के नेत्र सदैव अपने ईष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान नंदी का हर लम्हा, हर क्षण, हर पल सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु, अपने ईष्ट भगवान शिव को ही समर्पित है।
और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वो भी अपना हर क्षण, हर पल, हर लम्हा अपने परमात्मा को, अपने ईष्ट को, अपने प्रभु को, अपने आराध्य को समर्पित करता हुआ चले। और जब आप अपना हर पल, हर क्षण परमात्मा को अर्पित कर देते हैं तो उसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। जैसे भगवान आप चाल चलाओगे वैसा चल लूंगा, मेरा क्या है, जैसा खिलाओगे वैसा खा लूंगा, मेरा क्या है। तो श्रावण मास में कैसे भगवान नंदी की पूजन करें वो मैं आपको बता देता हूं। श्रावण मास में शिवालय में जाकर शिवलिंग का और भगवान नंदी का विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। विधि विधान से भगवान शिव का 108 नामों से पूजन करें, शिव के सभी गणों का पूजन करें। ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, इस मंत्र से नंदी महाराज का आह्वान करें, पूजन करें। गणेश पूजन करके शिव पूजन करें, तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, चंदन से धूप प्रज्वलित करें, सफ़ेद चंदन अर्पण करें, सफ़ेद तिल अर्पण करें, दूध अर्पण करें, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, खीर का भोग लगाकर 108 बार एक मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का जाप करना है। पूजा के पश्चात खीर गरीब लोगों में बांट देनी है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक चक्र तुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्र तुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्र तुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। पूजन के पश्चात नंदी देव के कानों में अपनी मनोकामना कहना है। भगवान को यदि कोई अप्रोच करनी हो, शिव भगवान को, तो डायरेक्ट शिव भगवान को मत बोलिए, उनके जो प्रमुख गण हैं नंदी के कान में जाके अपनी मनोकामना बोल दीजिए, निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो पूजन के पश्चात नंदी देव के कानों में अपनी मनोकामना कही, क्या होगा, मिलेगी भगवान शिव के साथ नंदीश्वर की विशेष कृपा, पूरी होगी हर कामना, हर इच्छा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।